हाय दोस्तों, अगर आप 15,000 रुपये के अंदर कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। आज मैं आपको 15,000 के अंदर अच्छे फ़ोन्स को मतलब बहुत ही बेहतरीन जो कि बेस्ट बोला जा सकता है बेस्ट फ़ोन के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा लेना ताकि आगे जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो आपको मिलते रहेंगे। 15,000 के बीच सबसे बेस्ट फ़ोन के बारे में बात करूँ तो वो मैं सिलेक्ट करूँगा वीवो Z1 Pro को, जो कि 6.5 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन के साथ आता है और इसका सेल्फी कैमरा भी इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है। और बैक साइड के रियर कैमरा के बारे में बात करें तो वो 3 रियर कैमरा दिया हुआ है जो कि 16+18+2 मेगापिक्सल की है और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा है जो कि इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है। और उसके साथ साथ इस फोन पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 की प्रोसेसर मिलता है जिसके वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। और लुक तो उस फोन की डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो प्रीमियम लुक देता है। और उसके साथ साथ 5000 mAh की बड़ा सा बैटरी मिल जाता है जिसकी वजह से आप दिन भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और फास्ट चार्जिंग के बारे में बात करें तो 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है जिसकी वजह से आप जल्द चार्ज कर पाओगे और उसके साथ साथ गेमिंग बहुत अच्छा कर पाओगे और बैटरी भी लॉन्ग लास्टिंग है। इस फोन की बेस्ट वेरिएंट के बारे में बात करें तो 4GB+64GB की है, मतलब 4GB RAM+64GB इंटरनल स्टोरेज की। और इस फोन की प्राइस है 14,999। अब हमारे लिस्ट के दूसरे फोन है रेडमी नोट 7 प्रो जो कि 6.3 की फुल HD प्लस डिस्प्ले है और उसके बैक और रियर ग्लास के बने हुए हैं और उभय ही दोनों ही पीछे और आगे से गोरिल्ला क्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। इस फोन के प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 ऑक्टाकोर प्रोसेसर। उसके साथ साथ इसके रियर साइड पे 2 कैमरा है जो कि 48MP+5MP। और ख़ास बात यह है कि इस फोन की कैमरा के लिए सोनी IMX586 सेंसर दिया हुआ है जिसके वजह से आपको बहुत ही बेहतरीन फोटोज मिलेंगे। और सेल्फी के बारे में बात करें तो 13MP की सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। और इस फोन के बैटरी के बारे में बात करें तो वो 4000 mAh की बैटरी है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है टाइप सी के साथ। और इस फोन की बेस्ट वेरिएंट है 4GB RAM+64GB इंटरनल स्टोरेज। अब हमारा फोन की तीसरा फोन के बारे में बात करें तो वो है Realme 3 Pro जो कि जिसका स्क्रीन है 6.3 इंच की फुल HD प्लस। और कैमरा के बारे में बात करें तो पीछे के साइड में 2 कैमराज हैं जो कि 16MP+5MP। इस फोन में कैमरा सेंसर के बारे में बात करें तो सोनी IMX519 दिया हुआ है जिसकी वजह से फोटो बेहतरीन आता ही है और सेल्फी के लिए 25MP का सेल्फी कैमरा है। और प्रोसेसर के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 710 की प्रोसेसर है जो कि अच्छा खासा सपोर्ट देता है गेमिंग के लिए। और बैटरी के बारे में बात करें तो वह 4045 mAh बैटरी का है और चार्ज के लिए जो भूक 3.0 फास्ट चार्ज दिया हुआ है जो कि 80 मिनट से ही 100% की चार्ज करवा सकता है। और फोन की ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो गोरिल्ला ग्लास 5 आया मिलता है। इस फोन की बेस्ट वेरिएंट है 4GB RAM+64GB इंटरनल स्टोरेज। उसके बाद हम अपनी चौथा फोन के ऊपर आते हैं, वो है ओप्पो K1 जो कि 14,990 रुपये मिलता है। इसका स्क्रीन साइज है 6.4 इंच का और सुपर एमोल्ड है। स्क्रीन के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है जो कि थोड़ा सा फोन को टॉप बना देता है। उसके साथ साथ कैमरा के बारे में बात करते पीछे के साइड में पिछले साइड में 2 कैमराज हैं जो कि 16MP+2MP का है और सेल्फी के लिए 25MP का सेल्फी कैमरा है। और प्रोसेसर के बारे में बात करें तो वो है स्नैपड्रैगन 680 की प्रोसेसर और बैटरी है 3600 mAh की। थोड़ा सा फ़ोन तो क्विक लग रहा है पर फिर भी ठीक ठाक है 15,000 के अंदर। और आखिरी फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी M30 जो कि देखने के लिए बहुत खास लगता है। और इस फोन की बेस वेरियंट है 4GB RAM+64GB इंटरनल स्टोरेज और इस फोन की प्राइस है 14,990 रुपये। इसका स्क्रीन साइज है 6.4 इंच सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है और कैमरा पीछे के साइड में 3 कैमराज हैं 13MP+5MP+5MP और सेल्फी के लिए 16MP के कैमरा। और प्रोसेसर की हम बात करें तो
एक्सिनस 7904 का प्रोसेसर है, थोड़ा सा जो वीक बनता है, और बैटरी पर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है 5000 mAh की। और चार्जिंग के बारे में बात करूँ तो 15 W की फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, आप ही कमेंट करके बताएं आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा।